हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम एक और है, दैट इज नोन एज वेटिंग लाइन थ्योरी। जो स्टूडेंट्स डीएस पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर, वो क्यू के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जो कि हमारा एक मैकेनिज्म होता है, फीफो, उसको फॉलो करता है। उसी से कुछ मिलती जुलती हमारी क्यूइंग थ्योरी है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफर है। यहाँ क्यूइंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि एक क्यू फॉर्म करना, दैट मींस एक वेटिंग लाइन फॉर्म करना। मतलब वेटिंग लाइन क्यों फॉर्म करते हैं यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं, एक लाइन फॉर्म करते हैं, सर्विस का वेट करते हैं और सर्विस लेने के बाद उस लाइन को छोड़ देते हैं। जैसे कि हम मूवी हॉल में टिकट परचेस करने के लिए जाते हैं, जब टिकट परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय एक लाइन फॉर्म करते हैं। तो हमारा उस समय मोटो क्या होता है, टिकट परचेस करना। तो सर्विस हमारी क्या है, टू बाय द टिकट। जैसे ही मैं टिकट परचेस कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, लाइन को छोड़ देते हैं। क्लियर? तो जैसे ही मैंने टिकट परचेस की, मैंने लाइन को छोड़ दिया। तो अब यहां पर ये वेटिंग लाइन और क्यू थ्योरी, उसी मैकेनिज्म को आगे हम इलैबोरेट करेंगे। ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है, जिसको अब हम यूज करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी क्यूइंग थ्योरी, या जिसको एक और नाम से जानते हैं, नोन एज वेटिंग लाइन थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस की, सर्विस स्टेशंस की, या जिसको हम कहते हैं सर्विस चैनल्स की। यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कस्टमर्स आपके सर्विस काउंटर पे आते हैं। अब सर्विस काउंटर हमारा सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल कैसे, आप जब टिकट परचेस करते हैं, चाहे आप रेलवे का टिकट परचेस करें या एयरलाइन का टिकट परचेस करें या मूवी टिकट परचेस करें, क्या ऐसा होता है कि वहां पर सिर्फ एक ही काउंटर होता है जहां से टिकट हम परचेस करते हैं? नहीं, देयर आर मल्टीपल काउंटर्स। उन मल्टीपल काउंटर से क्या होता है, हम टिकट परचेस करते हैं, किसी भी काउंटर से परचेस करिए, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है हमें। लेकिन क्यू सबके लिए फॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें बैंक की, बैंक में पासबुक प्रिंट करने के लिए भी हमें क्यू फॉर्म करनी पड़ती है, बट वहां पे क्या होता है, हमारे पास सिंगल सर्विस चैनल होता है। तो वहां पे एक ही चैनल है, एक ही काउंटर है जहां पे हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम सर्विस को जब एक्वायर कर लेंगे, That is passbook by print हो जाएगी, हम उस वेटिंग लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो यहां पे कुछ इस तरह से होता है। Arriving of customers, तो पहला जो प्रोसेस होता है क्यू को फॉर्म करने का, दैट इज अराइविंग ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्यू को फॉर्म करते हैं। तो पहला काम कस्टमर्स का अराइवल, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्यू, नेक्स्ट योर सर्विस चैनल्स, जो कि डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम कितने यूज कर रहे हैं। दैट मे बी 1, 2, 3 और n, दैट मीन्स नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं, सर्विस क्या हो जाएगी हमारी, क्लोज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहां पे क्यू लाइन, क्यूइंग थ्योरी में सबसे पहला जो काम होता है कस्टमर्स का अराइवल, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्यू, नेक्स्ट सर्विस चैनल्स एंड नेक्स्ट सर्विस क्लोज। अब यहां पे जो क्यू फॉर्म होती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार कस्टमर को वेट भी करना पड़े। कई बार क्या होता है कि काउंटर आपका खाली पड़ा होता है, आप जाते हैं सीधे सर्विस को एक्वायर करते हैं और सर्विस क्लोज हो जाती है। दैट मींस आपके जो सर्विस के आपको एक्वायर करनी थी, टिकट परचेस करना, आप गए, टिकट काउंटर खाली पड़ा हुआ है, आपने टिकट परचेस की और सर्विस अपनी क्लोज की, दैट इज बैंक द टिकट, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो क्यू फॉर्मेशन एक ऑप्शनल वर्क है, जरूरी नहीं कि हर जगह आपकी क्यू को फॉर्म ही करना पड़े। तो जहां पे हमें वेट करना पड़ रहा है, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू को फॉर्म करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स। अगर क्यू हमने फॉर्म की है तो उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास में। वो क्या है कंपोनेंट्स और वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी क्यूइंग थ्योरी को। सबसे पहला
जो कंपोनेंट होता है हमारा, साइज ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन, साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन। मेरे ख्याल से इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। साइज ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ द कस्टमर्स क्यू, जो हम क्यू फॉर्म कर रहे हैं उसका साइज क्या हो सकता है, क्योंकि ये कभी फिक्स नहीं हो सकता है। आप कभी भी किसी भी काउंटर पे जाएं, आप क्यू का साइज फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको याद हो कि डॉक्टर्स का एक ऐसा सर्विस चैनल होता है जहां पे आपकी क्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है मैक्स टू मैक्स 50 पेशेंट्स, तो वहां पे क्या हो गया, साइज आपका फिक्स होता है। बाकी जितने भी सर्विस चैनल्स होते हैं वहां पे अधिकतर क्या होता है कि आपका कॉलिंग पॉपुलेशन का साइज होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी हम उनको एक साइज में बाउंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी फिक्सेशन हो कि हम उतनी सर्विस उसको प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट होता है पैटर्न ऑफ अराइवल, पैटर्न ऑफ अराइवल ऑफ कस्टमर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैटर्न ऑफ कस्टमर्स। दैट मींस कस्टमर्स हमारे किस पैटर्न में सर्विस काउंटर पे आ रहे हैं या वेटिंग लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। यहां पे दो अलग अलग होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है कि कस्टमर फिक्स है, कि आपका कस्टमर फिक्सेशन है, ऑर्डर में आ रहा 5 कस्टमर्स आ रहे, 10 कस्टमर। डायनेमिक में क्या है, फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक टीवी रिपेयरमैन की मैं बात करूं, उसको फिक्स नहीं कि मेरे पास आज कितने टीवी रिपेयर होने के लिए आएंगी। लेकिन अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल ये डॉक्टर्स का, वहां पे मेरे पास फिक्स है कि पर डे मेरे पास केवल 50 ही कस्टमर्स आएंगे। तो पैटर्न ऑफ अराइवल या तो स्टैटिक होगा या क्या होगा, डायनेमिक। तो कंफर्मेशन है हमारे पास में कि हमारे पास में एक बार में केवल 5 ही कस्टमर आएंगे, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। डायनेमिक में क्या होता है, फिक्स नहीं है, कितने भी कस्टमर आ सकते हैं और हमें उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी की नहीं करनी है, वो डिपेंड करेगा हमारे क्यू सॉरी सर्विस मैकेनिज्म के ऊपर। अब थर्ड आता है हमारा सर्विस मैकेनिज्म, दैट इज द ऑर्डर बाय विच वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का गोल क्या है, सर्विस को एक्वायर करना, तो हम सर्विस किस ऑर्डर में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे कई तरह के ऑर्डर होते हैं जिसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कॉमन होता है हमारा सिंगल चैनल सिंगल क्यू। यहां पे क्या है कि एक ही क्यू है हमारी और एक ही चैनल है जहां से हम क्या करेंगे, सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। दैट इज सर्विस चैनल भी फिक्स है और क्यू भी फिक्स है कि एक ही क्यू होगी। जैसे भी एग्जांपल ये हम लोगों ने किसका, बैंक में पासबुक प्रिंटिंग का, वो एक ऐसा काउंटर होता है जो सिंगल होता है, लेकिन वहां एक ही क्यू हमारी फॉर्म होती है और एक ही हमारा क्या होता है वहां पे, चैनल होता है। अब इसके बाद हमारे पास में आता है सिंगल सर्वर या सिंगल चैनल, सर्वर चैनल काउंटर्स, सेम नेम यूज होंगे, सिंगल चैनल सेवरल क्यू। ये हमारे इंडिया में खासकर फॉर्म होती है। आजकल क्या होता है हमारे यहां कि मेल और फीमेल ये दो अलग अलग क्यू फॉर्म कर देते हैं। चैनल एक ही है, मेल के लिए अलग क्यू बनवा दी गई, फीमेल्स के लिए एक अलग क्यू जनरेट कर दी गई। अब हम दोनों में से एक एक करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल चैनल सेवरल क्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में आता है जहां पे चैनल्स भी हमारे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेवरल चैनल एंड सेवरल क्यू। सेवरल, जब भी चैनल हमारे सेवरल होंगे तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाते हैं हमारे, पैरेलल, क्योंकि सारे चैनल एक साथ एक ही सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सेवरल चैनल, सेवरल क्यू। इस एग्जांपल हम लोगों ने भी यूज किया टिकट परचेस करने का, रेलवे टिकट परचेस करने का, कई सारे काउंटर्स होते हैं और कई सारे क्यूज फॉर्म होते हैं। तो सेवरल काउंटर्स एज वेल एज सेवरल क्यूज,
इसके बाद हमारे पास में क्या जाती है, सबसे लास्ट में आता है सर्विस फैसिलिटीज इन अ सीरीज। ये ऐसा चीज है जो थोड़ा सा इनसे डिफर करती है, इसमें थोड़ा सा हम लोग इलोबरेट कर लेते हैं सर्विस मैकेनिज्म के अंदर में। सर्विस मैकेनिज्म में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीरीज सर्विस। ये आप लोगों ने कई बार यूज किया है, खासकर हम लोग एडमिशन टाइम पे इसको काफी यूज करते हैं। एडमिशन टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या जाते हैं, फॉर्म परचेस करते हैं, एक क्यू हमने परचेस की, सॉरी फॉर्म की, फॉर्म परचेस करने के लिए। जैसे ही फॉर्म परचेस किया उसके बाद हम आगे मूव करेंगे किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब तक हम फॉर्म परचेस नहीं करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब हम मूव करते हैं एडमिशन के लिए। तो सीरीज सर्विस इसे कहते हैं, जहां पे एक सर्विस आपको मल्टीपल सीरीज के फॉर्म में मिलेगी। जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी आप दूसरे पार्ट को अक्वायर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा अभी अपना एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म परचेजिंग, रजिस्ट्रेशन, देन एडमिशन। अदरवाइज किसी भी एक को आप अगर आप अनफॉलो करेंगे तो आपको जो प्रॉपर सर्विस है दैट इज योर एडमिशन, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी तीसरी या थर्ड कंपोनेंट जो कि कहलाता है सर्विस मैकेनिज्म। अब हम आते हैं किसके पास में, स्पीड ऑफ सर्विस। ये कंपोनेंट तो है पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता हमारे क्यू को, सिस्टम को। इसका सेंस क्या होता है कि हम किस स्पीड में कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको दो तरीके से हम चेक करते हैं, एक तो होता है हमारा सर्विस रेट और एक होता है सर्विस टाइम। दैट इज कस्टमर ने जब क्यू को फॉर्म किया और क्यू को फॉर्म करने के बाद जब उसको सर्विस मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने क्यू फॉर्म किया 5:40 PM पे और उसे जब सर्विस मिली दैट इज 5:50 PM, तो जो सर्विस टाइम होगा वो कितना होगा उसका, 10 मिनट्स। तो ये तो हो गया हमारा सर्विस टाइम। दूसरा हमने क्या देखा, सर्विस रेट, दैट इज एक मिनट में हमने कितने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की, दैट इज योर नोन एज सर्विस रेट। सो दिस इज द स्पीड ऑफ सर्विस। हालांकि इतना कोई इफेक्ट नहीं करता ये हमारे क्यू को। अब लास्ट में हमारी आ जाती है क्यू डिसिप्लिन। यहां पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बेसिकली ये क्यू डिसिप्लिन और सर्विस मैकेनिज्म ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वलेंट है। क्यू डिसिप्लिन भी वही है आपका, सिंगल सर्वर सिंगल चैनल, सिंगल सर्वर सॉरी क्यू डिसिप्लिन थोड़ा सा अलग है, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्यू डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि कस्टमर किस ऑर्डर में क्यू को फॉर्म कर रहे हैं और किस ऑर्डर में उनको सर्विस मिल रही है। सबसे इसमें दो तरह के हमारे पास में होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। सबसे पहला आता है हमारा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं FIFO। दैट इज जो कस्टमर पहले लाइन में लग गया है सबसे पहले हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज FCFS। नेक्स्ट आती है हमारी LCFS या LIFO, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। खासकर ये हम कैसे करते हैं, जब सपोज हमें कोई पासबुक प्रिंटिंग की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमर्स आते गए, जो सबसे लास्ट में आया है उसकी पासबुक सबसे ऊपर आ गई हमारे पास में, हमने क्या किया उसको पहले प्रिंट कर दिया। तो ये क्या हुआ, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है डायनेमिक सर्विस। डायनेमिक में हमारे पास में आता है सीरियली इन एंड रैंडम आउट, मतलब वो आएगा तो सीरियली बट हम रैंडमली किसी भी एक को सर्विस प्रोवाइड करके क्या करेंगे। सपोज हमारे पास 5 कस्टमर्स लाइन में लगे हुए हैं, हमने किसी एक को कॉल किया, ठीक है मिस्टर एक्स कम फॉर द सर्विस, सर्विस प्रोवाइड की और उसको बाहर कर दिया, दैट इज योर सीरियल इन रैंडम आउट। एंड द लास्ट वन इज द बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज कई बार हो जाता है हमारा प्रियोरिटी सर्विस, लाइक सीनियर सिटीजन। सपोज हमारे किसी लाइन में सीनियर सिटीजन लगे हुए तो हमने क्या किया, पहले उनको प्रियोरिटी दे दी। कोई डिसेबल्ड पर्सन लगा हुआ है उसको प्रायोरिटी देके हमने पहले सर्विस प्रोवाइड की, सर कम फॉर द सर्विस एंड गो आउट। ओके, सो दिस इज द डायनेमिक क्यू डिसिप्लिन, सो इट इज ओवर। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ अराइवल।
कई बार जब कस्टमर लाइन में लगता है तो वो अलग अलग तरह के बिहेवियर को फॉलो करता है। सबसे पहला बिहेवियर उसका होता है बाकिंग। बाकिंग हम एक ऐसा बिहेवियर होता है कि कस्टमर लाइन में तो लग गया बट उसने देखा कि क्यू बहुत लंबी है, उसने क्या किया, सडनली क्यू को छोड़ दिया। जस्ट बिकॉज कि क्यू का साइज काफी लेंथी है, उसने क्या किया, क्यू को ड्रॉप कर दिया। ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, बाकिंग। बाकिंग इज द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर व्हेन कस्टमर लीव द सर्विस चैनल या लीव द क्यू जस्ट बिकॉज द साइज ऑफ क्यू इज वेरी ह्यूज। नेक्स्ट इज द रेनेजिंग। सेकेंड बिहेवियर उसका जो आता है ये एक ऐसा बिहेवियर होता है कस्टमर का, कस्टमर ने क्यू को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उसने थोड़ी देर वेट किया, उसे लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम लग रहा है। पहला बाकिंग में क्या था, क्यू का साइज बहुत बड़ा था, क्यू का साइज बड़ा था, उसने कहा कि नहीं इतने हम देर वेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां रेनेजिंग में क्या है, कस्टमर लाइन में लगा, लाइन में लगने के बाद उसने देखा कि नहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो सर्विस टाइम है वो काफी लेट है, तो डिले इन सर्विस के कारण उसने क्या किया, आपकी क्यू को ड्रॉप कर दिया। ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, रेनेजिंग। नेक्स्ट जॉकिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा है जॉकिंग मतलब कस्टमर्स का, ऐसे कस्टमर्स का बिहेवियर जो मल्टीपल क्यूज जहां पे होती हैं, एक क्यू ज्वाइन किया, थोड़ी देर बाद क्या किया उसने दूसरी कोई क्यू ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसे लग रहा है कि नहीं सेकंड क्यू में हमें सर्विस फास्ट मिल सकती है, उसने उसको ज्वाइन किया। आफ्टर सम टाइम उसने फिर से क्यू को स्विच कर दिया क्योंकि उसे लग रहा है नहीं इस क्यू में हमें ज्यादा फास्ट सर्विस मिल सकती है। तो ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, जॉकिंग। एंड द लास्ट वन इज द प्रियोरिटी। प्रायोरिटीज, ये कस्टमर का ऐसा बिहेवियर होता है कि जहां पे हम कस्टमर्स को एक सर्टेन प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। लाइकवाइज जैसे भी डिस्कस किया, सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड पर्सन, मेल्स एंड फीमेल्स, सॉरी डिसेबल्ड पर्सन फीमेल एंड फीमेल विद द किड्स, तो इनको हम प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। सो दीज आर द सेवरल बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर्स। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्यू सिस्टम की। क्यू सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आती है हमारी क्यू लेंथ, दैट इज द साइज ऑफ क्यू या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू वेटिंग फॉर द सर्विस। क्यू लेंथ क्या हुई, क्यू लेंथ में हमारे वो कस्टमर्स नहीं आएंगे जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, वो नंबर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्यू लेंथ। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सिस्टम लेंथ। अब सिस्टम लेंथ और क्यू लेंथ में क्या, सिस्टम लेंथ में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि वेट कर रहे हैं क्यू में सर्विस एक्वायर करने के लिए, साथ ही साथ वो कस्टमर्स भी जिनको सर्विस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्यू है हमारे पास में जिसमें एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स है 25, तो क्यू लेंथ क्या होगी उसकी 25, पर सिस्टम लेंथ क्या हुई 25 प्लस 5, ये वो कस्टमर्स है जिनको आप क्या कर चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो सिस्टम लेंथ क्या होती है, सर्विस का वेट करने वाले कस्टमर्स एज वेल एज जिनको आपने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड कर दी है। अब आती है वेटिंग टाइम इन द क्यू। वेटिंग टाइम इन क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि वेटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, कस्टमर ने जिस टाइम क्यू को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब उसे सर्विस मिलने वाली है, जब वो सर्विस के लिए काउंटर पे पहुंचा, तो ये जो टाइम होता है ये क्या कहलाता है, उसका वेटिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर ने 5:10 पे क्यू को ज्वाइन किया और 5:40 पे वो सर्विस काउंटर पे पहुंच गया, तो वेटिंग टाइम कितना होगा उसका, 30 मिनट। इसके साथ ही में आता है दूसरा हमारा टोटल टाइम।
अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि 510 पे कस्टमर ने ज्वाइन किया, 540 पे वो सर्विस काउंटर पे पहुंचा, अब 550 पे उसने सर्विस काउंटर को छोड़ा सर्विस लेने के बाद, तो टोटल टाइम यहां पे कितना हो जाएगा उसका, 40 मिनट्स हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में सर्वर आइडल टाइम, दैट इज वो टाइम जिसमें आपके चैनल्स या सर्विस काउंटर्स कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, वो कहलाता है आपका सर्वर आइडल टाइम। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू सिस्टम, क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, वेटिंग टाइम, टोटल टाइम एंड सर्वर आइडल टाइम। सर्वर आइडल टाइम जनरली डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि हम लंच लेते हैं या सर्विस स्टेशन पे जो सर्वर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है सर्वर आइडल टाइम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोटेशंस एंड सिंबल्स की, जो कि हम यूज करते हैं क्यूइंग थ्योरी पे। अब बात करते हैं नोटेशन की। सबसे पहली नोटेशन आती है हमारी पीएनटी, समझ में आ गया होगा आपको, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन कस्टमर्स आर इन द क्यूइंग सिस्टम, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर्स एट टाइम टी इन द क्यू सिस्टम, दैट इज नोन एज पीएनटी। नेक्स्ट इज द ईएन, ईएन इज द स्टेट इन विच देयर आर एन कस्टमर्स इन द सिस्टम, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट इज द पीएन, अगेन इट इज ट्रांजिएंट स्टेट प्रोबेबिलिटी एंड इट इज स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होती है। अब सिस्टम हमारा अगर ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेट कर रहा है टाइम डिपेंडेंट होके। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या हो गया, ये टाइम डिपेंडेंट। अभी आपने देखा यहां पे प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर एट टाइम टी, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होती है, जहां पे आपका जो बिहेवियर होता है या ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ओके, तो ट्रांजिएंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई पीएनटी, स्टेडी स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई पीएन। नेक्स्ट इज द लैम्डा, लैम्डा इज द एवरेज कस्टमर अराइवल रेट या एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम इन द क्यूइंग सिस्टम, दैट मीन्स अगर एक सेकंड में या एक मिनट में आपके पास पांच कस्टमर्स आ रहे हैं तो लैम्डा कितना हो गया आपके लिए 5। नेक्स्ट इज द म्यू, म्यू इज द एवरेज अराइव सर्विस रेट, ये क्या है एवरेज अराइवल रेट, ये क्या हो गया एवरेज सर्विस रेट। नेक्स्ट इज द रो, नाउ इट इज रो, रो इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी या सर्विस यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रैफिक इंटेंसिटी दैट इज एक बार में हम कितने कस्टमर्स को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द रो, रो इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज द स्मॉल एस, स्मॉल एस बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स। नेक्स्ट कैपिटल एन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम इज नोन एज कैपिटल एन। नेक्स्ट इज द एल एस, नाउ एल एस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, ओके एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, इट इज एवरेज अराइवल रेट, इट इज एवरेज सर्विस रेट, इट इज ट्रैफिक इंटेंसिटी, नाउ एल एस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट एल क्यू, एल क्यू स्टैंड फॉर द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, क्यू एंड सिस्टम बोथ आर डिफरेंट, सिस्टम में वो भी काउंट होंगे जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके, क्यू में वो काउंट होंगे जो वेटिंग लाइन में हमारा अभी वेट कर रहा है। नेक्स्ट
LB stands for the average length of non-empty queue. कई बार क्या होता है, हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसमें एम्प्टी क्यू को भी इनरोल करते हैं, बट यहाँ पे एलबी की जब बात करेंगे तो सिर्फ हम नॉन एम्प्टी क्यू की एवरेज को फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज द डब्ल्यू एस. एज यू ऑल नो, डब्ल्यू फॉर द वेटिंग टाइम. सो एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज नोन एज डब्ल्यू एस. नाउ डब्ल्यू क्यू स्टैंड फॉर एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू. नेक्स्ट पीडब्ल्यू, that means probability that customer has to wait in the system is known as PW, that is probability of customers waiting. अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे सिंपल सी notations हो गए. अब queuing theory के कुछ models होते हैं, उन models की जो proper notations होती हैं, basically वो notations provide की हैं Kendall's ने, हम इसको कहते हैं Kendall's notation for models. सेपरेशन कैसे बिलोंग करती है, ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी कॉलन ऑब्लिक सॉरी डी ऑब्लिक ई. ये कंप्लीट एक क्यूइंग सिस्टम, क्यूइंग थ्योरी के मॉडल को डिस्क्राइब करता है, जहां पे हर एक की अपनी अलग अलग मीनिंग है. जब बात करते हैं हम ए की, ए इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अराइवल. That is, customer किस arrival में हमारा या उनका inter arrival time क्या है, that is known as the A. B stands for the probability distribution of service type. पहले हमने बात की A की, A is the probability distribution of the arrival. Next B is the probability distribution for the service. Next C, number of channels, कि कितने channel आपने लगा रखे हैं service provide करने के लिए. Next D, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, क्यू की कैपेसिटी कितनी है, अधिकतर ये इनफाइनाइट होती है या कभी कभी हम इसको लिमिट भी कर लेते हैं. नेक्स्ट इज द ई, क्यू डिसिप्लिन, क्यू का डिसिप्लिन क्या है, FCFS है, व्हाटएवर क्या है वो हम देखते हैं यहां पे. अब बात आती है सबसे पहले हम यूज करते हैं, ये तो हो गए माई कैंडल्स नोटेशन फॉर मॉडल्स. अभी इसमें हमारे पास में चार तरह के मॉडल्स आते हैं. सबसे पहला मॉडल होता है हमारा MM ऑब्लिक वन इनफाइनाइट ऑब्लिक FCFS. ध्यान रखिएगा कई जगह आपको FCFS मिलेगा, कई जगह पे आपको ये FIFO फॉर्म में भी मिलेगा, इसलिए आप इसमें परेशान मत होइएगा. नेक्स्ट MM ऑब्लिक एस इनफाइनाइट, लगभग इक्वलेंट है मॉडल वन के, बस खाली यहां पे सर्विस चैनल हमारे एस हो गए हैं यहां पे. नेक्स्ट इज द मॉडल थ्री, दैट इज MM1 MM1 एंड एन FCFS. यहां पे हमने क्या किया, क्यू के साइज को फिक्स कर दिया है कि कैपिटल एल इससे ज्यादा हम कस्टमर्स को क्यू में क्यू को फॉर्म करने नहीं देंगे. लास्ट वन इज द MMS एंड द सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका इनफाइनाइट इवन ये आपका आता है सीरो के फॉर्म में. तो आप चारों ही मॉडल्स में आप देखते हैं पहला क्या आता है, सभी मॉडल्स में आपका पहला क्या है, कैपिटल एम. पहला यहां पे पहला जो मॉडल है या सारे मॉडल्स में हम देख रहे हैं ए और बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम, दैट इज इंटर अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कैपिटल एम से बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल एम बेसिकली क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बेसिकली हम यहां पे मॉडल वन और मॉडल थ्री को डिस्कस करेंगे, मॉडल टू का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फोर्थ मॉडल हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम यहां पे यूज करेंगे मॉडल वन और थ्री को। सबसे पहले हम आते हैं मॉडल वन के पास, दैट इज MM1 (Infinite FCFS). लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज डिस्कस कर ले जो सारे मॉडल्स में बड़े कॉमन है। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में ट्रैफिक इंटेंसिटी, ट्रैफिक इंटेंसिटी। अभी आपने देखा था ट्रैफिक इंटेंसिटी के लिए हमने जो सिंबल लिया था दैट इज योर रो। अब ट्रैफिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन अराइवल रेट अपॉन, दैट इज मीन अराइवल रेट अपॉन मीन सर्विस रेट, दैट इज इक्वल्स टू मीन अराइवल रेट के लिए हमने सिंबल यूज किया था लैम्डा, मीन सर्विस टाइम के लिए यूज किया था म्यू, सो रो इज द लैम्डा अपॉन म्यू। ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो चारों मॉडल्स में आप एक साथ यूज करेंगे, कहीं पे भी ये डिफर नहीं करेगा। ओके, सो ट्रैफिक इंटेंसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू। ध्यान रखिएगा म्यू की वैल्यू यहां पे रो की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी अगर लेस देन वन होगी अगर आपके लैम्डा की वैल्यू म्यू से कम है तो ये रो की ट्रैफिक इंटेंसिटी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन वन। सो ये तो हो गया ट्रैफिक इंटेंसिटी जो चारों मॉडल्स में यूज होना है, कॉमन फॉर्मूला है, किसी मॉडल के लिए चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इसके साथ हम यूज करते हैं सबसे पहला मॉडल वन, दैट इज MM1 (Infinite FCFS). ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं सबसे पहले मॉडल के पास, M के बारे में ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा इस मॉडल में M जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइजन अराइवल रेट, या जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल रेट, और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम। तो जब भी हमारा सर्विस टाइम और अराइवल रेट एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल एम। और ये हमारा क्या आता है मॉडल वन, जहां पे सिंगल चैनल होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और क्यू का साइज फिक्स नहीं होगा। यहां पे कुछ कंडीशंस है जो हमें अज्यूम करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अराइवल आर सर्व्ड एज एफसीएफएस। क्लियर है, जब एफसीएफएस को बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे सर्विस। नेक्स्ट क्या है, हर अराइवल को वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्यू साइज क्या है, इनफाइनाइट है, तो कुछ भी हो आपके अराइवल जो भी आ रहा है उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अराइवल जो है आपका वो इंडिपेंडेंट होगा प्रीसीडिंग अराइवल से, दैट मींस पहले अराइवल का क्या सेंस है हमें उससे मतलब नहीं, बट जो करंट अराइवल आ रहा है ये पुराने वाले से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। सो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो आपके ऑलरेडी मेंशन है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज लिस्ट की। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर्स इन द सिस्टम, आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ इसके लिए पीएनटी। अगर ट्रांजिएंट स्टेट है तो अगर वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम यहां पे क्यू की बात नहीं कर रहे, क्यू और सिस्टम में डिफरेंस है, तो सिस्टम में एन कस्टमर्स है दैट इज योर पीएनटी, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं रो टू द पावर स्मॉल एन। ओके, अब इसी तरह से एन माइनस वन कस्टमर के लिए पी एन माइनस वन पी रो टू द पावर एन माइनस वन, एन प्लस वन के लिए पी एन वन प्लस टी
तो क्लियरली विजिबल है कि आपको रोज की पावर में खाली चेंज करना है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये तो हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर्स क्यू में कितना, सॉरी सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं, एन एन माइनस वन एन प्लस वन। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि एक इंटर टाइम दिया गया, टाइम जिस पीरियड दिया गया, उस टाइम पीरियड में कोई भी कस्टमर हमारा क्या कर रहा है, अराइव नहीं हो रहा है। दैट इज सपोज एक टाइम इंटरवल है स्लैश टी, इस स्लैश टी टाइम इंटरवल में कोई भी कस्टमर हमारा अराइवल नहीं हो रहा है, दैट इज पी नॉट इक्वल्स टू वन माइनस लेमडा म्यू, ओके सॉरी वन माइनस लेमडा टी, क्लियर। तो वन माइनस लेमडा टी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि अभी हमारा कोई भी कस्टमर इस टाइम इंटरवल पे नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि जब हम क्यू को डिजाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो ये स्लैश टी जो निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लैश टी के अकॉर्डिंगली हम अपने, जैसे आप देखते होंगे बैंक में लंच टाइम होता है या कहीं पे भी एक आइडियल टाइम होता है, वो हम इसी स्लैश टी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इस टाइम कस्टमर्स का जो अराइवल है वो नहीं होगा या थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब इसी तरह से बात करते हैं कि केवल एक कस्टमर अगर आ जाएगा हमारा स्लैश टी टाइम इंटरवल पे, दैट इज पी वन स्लैश टी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा लेमडा, क्योंकि प्लस वन करेंगे वन तो आपका आ जाएगा, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा लेमडा डेल्टा टी। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा कि अराइवल टाइम की, अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हो गई टाइम इंटरवल पे कस्टमर्स की, अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, दैट इज आइडल टाइम इन द सर्विस, दैट इज नोन एज फाई डेल्टा टी, ओके फाई डेल्टा टी जीरो, फाई डेल्टा टी जीरो दैट इज वन माइनस म्यू लेमडा टी। टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे फाई, कोई भी कस्टमर का अराइवल नहीं हो रहा है पी, ओके इसी तरह से टाइम इंटरवल में हमें केवल एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है, दैट इज म्यू डेल्टा टी, ओके। सो ये तो हो गया हमारा